हैप्पी नवरात्रि दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ नवरात्रि थालीज की कुछ स्पेशल डिशेस। तो सबसे पहले बनाते हैं हम व्रत वाले आलू। व्रत वाले आलू बनाने के लिए आपको लेनी है मूंगफली, और मूंगफली को थोड़ा सा तेल में भून लेना है। यहाँ मैंने जो तेल लिया है वो भी मूंगफली का ही तेल है। उसके बाद अच्छे से भून लेने के बाद आप उसे अलग से साइड में निकाल के रख ले। अब इसमें डालना है घी, और पैन में घी डालने के बाद उसमें आपको डालना है जीरा और हरी मिर्च। जीरा और हरी मिर्च को अच्छे से थोड़ा सा गोल्डन होने तक, उसके बाद आपको डालना है उसमें आलू जो आपने पहले से उबाल के रखे होंगे, और इसमें डाल देना है सेंधा नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है दोस्तों, और जब ये अच्छे से थोड़ा सा आपको लगे पक चुका है, इसमें आपको डाल देना है थोड़ी सी मूंगफली क्रंचीनेस के लिए। और मूंगफली बाद में ही डालना, वरना मूंगफली का जो क्रंचीनेस है वो चली जाएगी। और धनिया के साथ सर्व करें। मैं बना रही हूँ सिंघारे की पूड़ियाँ। इसके लिए आपको दो उबले हुए आलू चाहिए, और दो कटोरी आप सिंघारे का आटा डालें, उसमें थोड़ी सी अजवाइन और सेंधा नमक डालकर उसे अच्छे से गूंथ लेना है। गूंथ लेने के बाद आप थोड़ा सा सिंघारे को अलग से रख सकते हैं ताकि थोड़ा सेटल हो जाए। उसके बाद आपको इसकी लोई लेनी है, और उसे अच्छे से हाथ से ही बेलना है, क्योंकि ये बेलन से तो बेल नहीं सकते दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद आप इसे तल लें अच्छे से आराम से। बहुत मज़ेदार बनती हैं ये पूड़ियाँ। पहले पहले आपको लगेगा कि ये बहुत मोटी बन रही है, लेकिन धीरे धीरे खुद फूलने लग जाएंगी और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये। व्रत में ऐसा मज़ेदार खाने में बहुत मज़ा आता है दोस्तों। ऐसे ही रेसिपीज़ और लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट करते रहें। सिंघाड़े की पूड़ियाँ बहुत यम्मी बन के तैयार हैं। उसके बाद हम बनाते हैं थोड़ा सा पनीर। पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है काजू और टमाटर की ग्रेवी। उसको मैंने पीस लिया है, काजू को मैंने भिगा लिया था पहले, और उसके बाद मैंने ज़ीरा और मिर्च का उसमें छौंक लगाया है, और थोड़ा सा पनीर उसी के साथ मैंने भून लिया है। पनीर को भुनना यहाँ ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ऑलरेडी प्याज है नहीं दोस्तों, तो इसलिए थोड़ा सा टेस्ट आ जाएगा करके। उसके बाद इसको अच्छे से भून के निकाल लो पनीर को, और उसमें वो ग्रेवी डाल लो। और इसमें मैंने 4-5 दाने काली मिर्च के भी डाले हैं। उसके बाद मैंने ये ग्रेवी डाल के अच्छे से इसको भून लिया है। आपको ग्रेवी को कम से कम 2-3 मिनट तक भूनना है अच्छे से, जिससे कि वो अच्छे सा इसका एक टेक्सचर आ जाए। जब ग्रेवी भुन जाएगी अच्छे से, तो उसमें मैंने डाली है मलाई। मलाई मेरी यहाँ पे मैंने रखी थी 2-3 दिन से जमा के, तो फिर मैंने वही मलाई यूज़ की है, और इसके साथ ही मैंने पनीर को भी डाल दिया है, और इसे भी मैंने 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। और उसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया डाल के गमा गम सर्व कर दिया। ऐसे ही और व्रत की रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय दोस्तों।